राजस्थान के जिला झुंझुनू में बाम सेव द्वारा सामुदायिक भवन में माननीय बीएम कांबेल राष्ट्रीय महासचिव की अध्यक्षता में सामाजिक परिवर्तन के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया एवं सामाजिक जागृति हेतु जिम्मेदारी ली। अधिवेशन में विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय मीन सेना प्रमुख सुरेश मीणा, बामसेव जी राजेश बजाड़, प्रदेश अध्यक्ष माया बजा, अखिल भारतीय अंबेडकर महासभा के जिला अध्यक्ष सीसराम सिसोलिया, जिला महासचिव जेपी महारानिया, जिला मीडिया प्रभारी महबूब चौहान, सामाजिक कार्यकर्ता एमडी चौपदार धर्मपाल सिंह, महेंद्र सिंह, पंकज धनखड़, प्रदेश संयोजक राष्ट्रीय किसान मोर्चा मोहम्मद दिलावर खान करीमम आदि ने सामाजिक परिवर्तन व जागृति हेतु अपने विचार व्यक्त किए तथा कहा सरकार ने किसान मजदूर व बेरोजगारों के लिए कोई लाभदायक व सुरक्षा के लिए नियम नहीं बनाए हैं। इन लोगों पर आए दिन अत्याचार व अन्याय होते हैं लेकिन विधानसभा व संसद में बैठे मंत्रियों को इसकी कोई चिंता नहीं है तथा मंत्रियों को यहाँ तक की जमीनी हकीकत का भी नहीं पता है। बाम से आपसूट सिंह में राष्ट्रीय किसान मोर्चा उसमें मैं काम करता हूँ और पिछले दिनों जो राजस्थान में किसानों की कर्ज मुक्ति, फ्री बिजली और किसानों की जो आवारा पशु और अन्य जो मांगे थी उन मांगों को लेकर हमने पूरे राजस्थान में आंदोलन लड़ा। देखिए जितने लोग हमारे साथ जुड़े उसके अकॉर्डिंग 50,000 रुपये पहले मांग हुए, आज पूरे राजस्थान में किसानों को 10,000 रुपये बिजली फ्री मिल रही है। जितनी ताकत में किसान साथ आएंगे कर्ज भी मुक्त होगा, हमारा पशुओं की समस्या भी होगी, उनके भाव की समस्याओं का निदान भी होगा। हम संगठन को गांव स्तर तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, आगे एक लड़ाई और लड़ेंगे उसमें सारा का सारा समाधान करेंगे। और जो आप किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं तो मैंने आपके माध्यम से भी अपील कर रहा हूँ और मैंने मेरे व्यक्तिगत सोशल मीडिया के माध्यम से भी अपील करी है कि किसानों को अब आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है। कर्ज नहीं चुका पा रहे तो कर्ज के लिए मुकर जाओ, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपने 300 रैलियों में घोषणा करी थी कि हम सत्ता में आएंगे तो किसानों को कर्ज मुक्त करेंगे। कांग्रेस सरकार के भी राहुल गांधी हो, ये जो वर्तमान मुख्यमंत्री, इन्होंने भी रैलियों में कहा था कि सत्ता में आए तो किसानों को कर्ज मुक्त करेंगे। अगर ये झूठ बोल रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं तो हम लोगों को भी कर्जे से मुकर जाना चाहिए। छोटे छोटे किसानों पर नहीं, जितने भी किसान हैं, बड़े किसान तो बचे ही नहीं ना राजस्थान में, तो राजस्थान में दो बीघा वाला देखो केसीसी के लिए हमने मना कर दिया। मैं तो किसानों से रोज अपील कर रहा हूँ और बहुत सी जगह हमने बैंकों वालों से, मैं व्यक्तिगत भी बात करता हूँ, कोई गांव में मैं पहुँच नहीं पाता, मैंने राजस्थान में अपील कर दी कर्ज जमा मत कराओ, फिर बहुत सी जगह बैंक वाले पहुँच जाते हैं तो बैंक वाले मैनेजर से मैं बात करता हूँ और किसानों के जो नोटिस आए हुए हैं उनका हम वापस भेज रहे हैं और अब एक रुपया भी राजस्थान का किसान जमा नहीं कराएगा। और जरूरत पड़ी तो बैंकों में पैसा है वो हमारे खून पसीने का पैसा है, नमक खाता है किसान मजदूर तो भी उस पर टैक्स देता है, टैक्स देने वाले वो नहीं है, टैक्स पेयर इस देश का गरीब आदमी है जो नमक मिर्च नून मसाला खाता है, उसके टैक्स का पैसा बैंकों में जमा है। जब किसान मरेंगे तो बैंकों से और भी लेंगे, उनके बाप का नहीं कि वो लूट के चले जाए और हम भूखे मरते रहे, बैंक लूटने पड़े तो बैंक भी लूटेंगे। क्या क्या सेवा दोगे? सेवा तो मेरा मेन उद्देश्य ये है कि जो समाज के अंदर जो कुरीतियाँ हैं, जो परंपराओं के नाम पे अभी भी अपने मनवादी और ब्राह्मणवादी व्यवस्था के अंदर अभी भी पिछले जा रहे हैं, तो मेरा मेन उद्देश्य ये है कि जो सोया हुआ समाज है उसको जगाया जाए और जो भी समाज के अंदर जो कुरीतियाँ हैं उन पे रोक लगा के समाज के संसाधन है उनका बेहतर यूटिलाइजेशन हो, जिससे अपना सोया हुआ समाज जागृत हो, समाज के अंदर जागृति आए और समाज आगे बढ़े, ना कि इस मनोवादी व्यवस्था में ज़्यादा से ज़्यादा फंसता जाए। मेरा मेन उद्देश्य है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अपनी जिम्मेदारी समझे, उत्तरदायित्व समझे और वो जो समय तो पता नहीं है उनको समय देकर उनको जगाएं, खुद भी पहुँचा के अपने संगठन के अंदर बड़े लाजवाब और शानदार तरीके से संपन्न हुआ। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ यहाँ के अध्यक्ष बजाड़ जी को, डॉक्टर कमल खन्ना जी को, जिन्होंने इस शानदार आयोजन का हमें गवाह बनाया। निश्चित तौर पे जब जब भी इस देश के अंदर क्रांति आई है उसमें महाराष्ट्र प्रदेश का बड़ा योगदान रहा है। आज जो राष्ट्रीय महासचिव कांबले जी यहाँ पर आके उन्होंने जो उद्बोधन दिया, उन्होंने जो समुदाय से जो समझाया, निश्चित तौर पर झुंझुनू के किसानों के अंदर, बेरोजगारों के अंदर, विद्यार्थियों के अंदर, आमजन के अंदर, हर क्षेत्र के अंदर जो ओबीसी के लोगों में जो परिवर्तन आएगा वो निश्चित तौर पर निखार जाएगा और आने वाले समय के अंदर बाम सेव की बड़ी मीटिंगें होंगी और जिले और गांव के अंदर इसकी कार्यकारिणी गठित होगी। निश्चित तौर पे ये लोग बहुत ही शानदार कार्य कर रहे हैं
और इस शानदार कार्य के अंदर जो सहयोग कर रहे हैं वो निश्चित तौर पर धन्यवाद के पात्र हैं। आज हमने बहुत कुछ कॉन्शियस संगठन से, यहाँ के संगठन के पदाधिकारी से बहुत कुछ सीखने को सीखा।